नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा ट्रैवल होने वाला है न्यू दिल्ली से पटना के लिए, जो कि गो एयर फ्लाइट है, जिसका प्राइस पड़ा है 7719 रुपया। तो आज के इस वीडियो में हम सभी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। को बता दें कि जब भी आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो सबसे पहले टर्मिनल 2 पे लगती है, जो कि डोमेस्टिक फ्लाइट न्यू दिल्ली से चलती है, वो टर्मिनल 2 में आपको मिलेगा। अभी हम टर्मिनल 2 पहुंच रहे हैं और ये देख सकते हैं एयरपोर्ट का रोड है, जो कि इस तरीके से है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं कैब के सहारे भी पहुँच सकते हैं या फिर अपने गाड़ियों से भी आप पहुँच सकते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पर 3 टर्मिनल है, T1, T2 और T3। तो T1 में जो है वो कुछ फ्लाइटें आती है, साथ साथ में जो डोमेस्टिक फ्लाइट है T2 में जाती है, और फिर T3 में जो है इंटरनेशनल लेवल की फ़्लाइटें चलती है। तो एयरपोर्ट जाने के लिए आपको कोई भी जो है व्हीकल लेके आप जा सकते हैं, जो कि सिटी से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट एक मेट्रो आती है, जो कि यहाँ पे जाती है आपको प्लेटफॉर्म में ले जाने के लिए। ये टर्मिनल 3 है और इसी के बगल में 2 है। तो अभी हम 2 में ट्रैवल करेंगे। 3 में जो है इंटरनेशनल लेवल की फ़्लाइटें आती है और मेट्रो जो है अटैचमेंट है। न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन जो है वो अटैचमेंट है, जो कि यहाँ से आपको न्यू दिल्ली के लिए 80 रुपये किराया पड़ जाएगा मेट्रो के माध्यम से। तो अंदर आने के लिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके पास जब भी आप अंदर आते हैं यहाँ पे, तो आपके पास एक आईडी प्रूफ, साथ साथ में जो आप टिकट कराएंगे वो आपके साथ होना चाहिए। तो गो एयर का फ्लाइट है, जो कि पटना होते हुए रांची तक चलती है। यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री पॉइंट में सबसे पहले आप टिकट दिखाएंगे और यहाँ से एंट्री होगा। ये T2 का है, जैसे ही आप एंट्री लेंगे ये एयरपोर्ट में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, तो यहाँ पे जाने के लिए आपको यहाँ पे टिकट दिखाना पड़ेगा, जो कि गार्ड रहते हैं यहाँ पे मेन गेट में। तो गार्ड आपको टिकट देखेंगे, आईडी प्रूफ देखेंगे, फिर आप अंदर ले जा सकते हैं। लगेज वगैरह ले जाने के लिए यहाँ पे रहता है, साथ साथ में आप बैग वगैरह साथ में ले सकते हैं। तो ये ओपन किया गया था 1962 ईस्वी में, जहाँ से एयर इंडिया, एयर एशिया, एयरलाइंस, गो फास्ट, इंडिगो, बहुत सारी फ़्लाइटें जो है यहाँ से चलती हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल या फिर यहाँ के लिए भी आपको फ़्लाइटें, डोमेस्टिक फ़्लाइटें भी मिल जाएंगी। तो एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए देख सकते हैं ये मेन गेट है T2 का, जहाँ से आप इन करेंगे। यहाँ आपको कैब वगैरह छोड़ेगी गाड़ियाँ वगैरह, और यहीं से आपको अंदर जाना पड़ेगा। और जब आप बाहर आएंगे तो यहीं से आपको गाड़ी वगैरह मिल जाएगा। इसी के आगे T3 भी है, और आगे इसके आगे आपको दोनों फ़्लाइटें जो है वो मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जा सकते हैं। और एयरपोर्ट में जो है वो काफ़ी संख्या में लोग भी आते हैं यहाँ पे, चूँकि यहाँ से जो है लोग ट्रैवल करते हैं अलग अलग जगह पे। तो ये दिल्ली का एकमात्र रेल एयरपोर्ट है, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की फ़्लाइटें और डोमेस्टिक फ़्लाइटें दोनों जो है अवेलेबल होती है। अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं, अंदर में आपको शॉपिंग का सामान, ATM का सुविधा, पैसा एक्सचेंज करने की सुविधा, साथ साथ में अलग अलग काउंटर मिल जाएगा। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो बहुत सारे मशीन भी रखे गए हैं, जहाँ से आप बोर्डिंग पास ले सकते हैं। और अगर आप मशीन से नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे जो काउंटर लगाया गया, जो भी जैसे आप गो एयर का टिकट करा रहे, तो गो एयर का काउंटर में जाना है, वहाँ पर चेक इन कराना, अपना बैग वगैरह जो है वो स्कैन करवाना है, और वहाँ से बोर्डिंग पास आपको लेना है। बोर्डिंग पास में आपका लिखा हुआ रहेगा कि, और अगर आप 7 kg से ऊपर का लगेज लेते हैं तो वहीं पर आप दे दीजिएगा, तो वो आपको फ़्लाइट में चला जाएगा, और 7 kg के नीचे का वो अपने साथ आप ले जा सकते हैं कैबिन में। तो जो है जैसे ही आप बोर्डिंग पास लेंगे, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि कौन सी गेट में आ रही है। अभी जो है गेट नंबर 32 में हम जा रहे हैं, जहाँ पे गो फास्ट का जो है पटना की ओर जो जाती है वो लगने वाली है। तो आपको गेट नंबर वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा अंदर में। अंदर बहुत सारे गेट हैं, जहाँ पे आप इस तरीके से एस्केलेटर लगाया गया है, तो इसके सहारे आप अंदर जा सकते हैं और देख सकते हैं कौन से गेट में आपका फ़्लाइटें लग रही है। तो उसके बाहर में आपको बैठने के लिए चेयर की सुविधा मिल जाएगी, जहाँ पर आराम से आप बैठ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ पर खाने पीने की सुविधा, रेस्टोरेंट है, स्मोकिंग करने का रूम है, जहाँ पर आप शराब वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, स्मोकिंग का एक अलग रूम, सेपरेट रूम बनाया गया, वहाँ जाके आप स्मोकिंग कर सकते हैं। तो अभी अगर आपके पास कोविड का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है तो वो भी साथ में ले जाएं। इस तरीके से फ़्लाइटें आके रुकती, देखिए आप जब गेट में आएंगे तो फ़्लाइटें रुकेंगी और उसका जो है अटैचमेंट किया जाता है, जहाँ से आप इन करेंगे। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये फ़्लाइट लगी हुई है, तो अभी इस पर देखिए गो एयर, इंडिगो, सारी फ़्लाइटें यहाँ पर लगी हुई है। रनवे में बहुत सारी फ़्लाइटें, तो जो भी गेट से आपका एंट्री होगा वहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ से न्यू दिल्ली से पटना का जो टाइमिंग होता है दोस्तों, वो 1 घंटा 40 मिनट होता है, जो कि 1 घंटे 40 मिनट में आप पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे सोने के लिए भी सुविधा रहता है, जहाँ पे आप सो सकते हैं। अगर ज़्यादा वेट करना है तो आप उसके लिए भी वेट कर सकते हैं। जब भी आपका फ़्लाइट रहता है तो 1 घंटे से 2 घंटे पहले आप पहुँचे एयरपोर्ट में, ताकि आप बोर्डिंग पास समय पर ले लें, साथ साथ में जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगा आपका, चेक इन वगैरह।
तो चेक इन करने के बाद आपको बता दें, अगर आप विंडो साइड सीट लेना चाहते हैं तो जब आप बोर्डिंग पास लेंगे तभी आपको चूज करने दिया जाएगा। वहाँ पे PNR नंबर डालेंगे और बोर्डिंग पास निकल जाएगा, वहीं पर आपको चूज करने दिया जाएगा। अगर आप अवेलेबल है तो विंडो साइड आप ले सकते हैं, नहीं तो और अधिक पैसा दे के 300 रुपये वो आप विंडो साइड ले सकते हैं। अंदर का देख सकते हैं, बहुत ही बड़े क्षेत्र में है, अलग अलग काउंटर बनाएगा, बहुत ही सुंदर लगता है। जब आप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भी सामान है, मतलब अच्छे से टाइमिंग आप स्पेंड कर सकते हैं। जब आप अंदर जाएंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कार वगैरह आपको चलाने के लिए मिल जाएगा, कार की भी सुविधा है, तो सारी सुविधा आपको अंदर में मिल जाएगा। और यहाँ से पटना के लिए जो फ्लाइटें हैं वो लगातार चलती रहती हैं। विस्तारा है, एयर एशिया है, इंडिगो है, गो एयर है, गो फास्ट है, ये सारी फ़्लाइटें जो है आपको, स्पाइस जेट, ये सारी फ़्लाइटें पटना के लिए मिल जाएगी। जो कि यहाँ से पटना का प्राइस लगभग 5,000 रुपये आपको पड़ जाएंगे अगर आप पहले टिकट कराते हैं तो मेरा अभी 4,719 रुपये पड़ा है, जो कि यहाँ से हम अभी पहुँचेंगे पटना के लिए। तो ये है, देख सकते हैं रनवे में आपको अलग अलग फ़्लाइटें नज़र आ रही होंगी, एयर इंडिया, गो फास्ट, ये सारी लगी हुई है। जैसे ही आपका चेक इन पॉइंट क्लियर हो जाता है तो फ़्लाइट का जो टाइमिंग है उससे 10 मिनट पहले आपको एंट्री किया जाएगा फ़्लाइट के अंदर। अंदर में बैठने के लिए आपको बहुत ही अच्छे AC वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहता है। तो अभी देख सकते हैं जो फ़्लाइटें हैं वो लग रही हैं, और अंदर आने के लिए जो है यहाँ पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पे बैठने के बाद जो है आपको अलग अलग नज़ारा मिलेगा। तो शॉपिंग करने का जब भी आपको मन हो तो एयरपोर्ट के अंदर भी शॉपिंग करके और फिर आप यहाँ से सामान ले सकते हैं। जगह जगह पे LCD लगाया गया, अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो एरो के सहारे आप जान सकते हैं कि कौन सी फ़्लाइटें किधर लग रही हैं तो किधर आ रही हैं। बैठने के बाद ये रनवे में जो है काफ़ी देर तक ये रनवे पे फ़्लाइटें जो है वो चलती हैं, उसके बाद एकाएक ऊपर उड़ जाती है, तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, जिसको पटना कहते हैं, और PAT इसका स्टे कोड है, एयरपोर्ट कोड है, जो कि बिहार में मौजूद है। काफ़ी संख्या में यहाँ पे हर रोज़ ट्रैवल करते हैं। बिहार का एकमात्र रेलवे एयरपोर्ट जो है बहुत ही बड़े क्षेत्र में, वो है पटना एयरपोर्ट। तो यहाँ पे जाने के लिए हम आपको बता दें कि पटना में जाने के लिए आपको फ़्लाइट के माध्यम से जा सकते हैं। एक और हमने वीडियो बनाया कि स्टेशन में कैसे जा सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट का भी वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। तो यहाँ से अब हम उड़ान भर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये गो एयर का फ्लाइट है जो कि विंडो साइड में अभी हम लिए हैं, और ये फ़ैन जो लगा हुआ है इसी के सहारे में जो आपको मिल जाएगा, टर्निंग पॉइंट इस तरीके से लेता है और यहाँ से धीरे धीरे स्पीड होके एकाएक जो है ये ऊपर लैंड कर जाती है। ये देखिए ऊपर आ चुकी है और नीचे आप पूरा शहर देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन नज़ारा होता है जब कभी भी आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और सबसे ऊपर जब आप आ जाएंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, पूरा बादल से घिरा हुआ, नीचे देखेंगे तो पूरा बादल बादल ही नज़र आएगा और बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। तो जब कभी भी आप प्लान बना रहे हैं एक बार आप ज़रूर ट्रैवल करें पटना से, या जहाँ से भी आपका हो सकता है ट्रैवल, तो फ़्लाइट में आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ऊपर से, और ये गो फास्ट, गो एयर, इस तरीके से फ़्लाइटें जो अलग अलग चलती हैं, और इस तरीके से आप विंडो साइड में बैठेंगे तो यही फ़ायदा होगा कि आप यहाँ से वीडियो कर सकते हैं और नीचे का नज़ारा देख सकते हैं जो कि पूरा बादलों से घिरा हुआ रहता है। जब सबसे ऊपर फ़्लाइटें चल जाती हैं तो समानांतर चलती हैं फ़्लाइटें, तो नीचे जो देखेंगे वो पूरा आपको इक्वल दिखेगा, बादल बादल दिखेगा, लगेगा कि बादल से ही हम क्रॉस करके जा रहे हैं। तो ये बहुत ही नज़ारा बहुत ही खास होता है, बहुत ही अद्भुत होता है ये नज़ारा देखने का। आप देख सकते हैं कि अभी हम ऊपर में पहुंच चुके हैं और ऊपर में इस तरीके से नज़ारा आपको देखने को मिलेगा।
और ये आप देख सकते हैं अब हम लैंड कर चुके हैं, लैंड करने वाले हैं पटना में। और ये पटना पूरा शहर आपको देखने को मिलेगा जब लैंड करेंगे। फ्लैटें जो है जब धीरे धीरे नीचे आती है तो देखिए कितना सुंदर लगता है, पूरा अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और ये धीरे धीरे लैंड करती है और बिल्कुल इक्वल टाइमिंग पे राइट टाइम पे चलती चुकी फ्लाइटें हैं और ये अब रनवे में आ चुकी है। देखिए अब यहाँ से हम जो है प्लेटफॉर्म पे एयरपोर्ट पे आएंगे और एयरपोर्ट के बाहर निकलेंगे। ये पटना एयरपोर्ट है, देख सकते हैं बहुत ही बड़े क्षेत्र में। और यहाँ पे फ्लाइटें जहाँ से लगेंगी वहाँ से आप बस के सहारे भी जा सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं। पटना जंक्शन जिसका कोड हमने बताया PAT है एयरपोर्ट का। और ये देखिए अराइवर जो है यहाँ से आप आ सकते हैं और लगेज वगैरह देंगे तो इसी तरीके से बेल्ट में आपका लगेज आएगा और फिर यहाँ से आप लगेज आप ले सकते हैं। और ये बाहर का नज़ारा है। तो ये पूरा ट्रैवल था, ऐसा वीडियो पसंद होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कैसा लगा वीडियो कमेंट में।